आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं महेश कुमार साहू। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली है वो काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है और भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के लाखे नगर स्थित अग्रवाल फाटाका भंडार में आए हुए हैं और हम जानेंगे कि संचालक जी से किस तरीके से तैयारियाँ हैं और किस तरीके से आवाजाही है। विगत 2 वर्षों तो कोरोना काल में भी किया और कोरोना काल में उतना डिमांड पटाखों की नहीं रही। इस वर्ष कुछ उत्साह लोगों में है कि दिवाली बढ़िया मनाएंगे, ढंग से मनाएंगे, मगर अभी उतना पटाखे का व्यापार चालू नहीं हुआ है। और अब जैसे जैसे नज़दीक आएगा त्यौहार, हो सकता है कुछ इसमें रौनक बढ़े। इस बार पटाखे में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? इस बार पटाखों में एक नया हेलीकॉप्टर आया है जो आकाश में चलेंगे और एक पटाखा आया है मयूर, जिसमें चलाने के बाद मयूर की आकृति बनेगी। पटाखे के किस किस तरह से डिमांड आ रहे हैं? पटाखे में बस वही फुलझड़ी चकली अनार मांगते हैं लोग और कुछ नया वैरायटी पूछते हैं। तो नया वैरायटी तो अभी बन नहीं रही है क्योंकि वहाँ भी बरसात बहुत हो रही है, तो नया वैरायटी बनने में बहुत तकलीफ हो रही है। आपकी दुकान की बात की जाए तो सबसे छोटी पटाखे और सबसे बड़ी पटाखे कौन कौन सी है? सबसे छोटे पटाखे में चुटपुट आता है, चुटपुट जो आवाज़ करती है म्यूजिकल क्रिकलिंग टाइप का। और बड़े में फिर वो बड़े फैंसी पाइप आ जाएंगे जो ऊपर जाके ब्लास्ट होते हैं। बड़े फैंसी पाइप सिंगल शॉट से लेके 120 आवाज़ तक है। आपके दुकान में किस तरीके से वैरायटी का पटाखे देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आए हैं? वैरायटी भी है बहुत सारी, जैसे चकरी है, अनार है, फुलझड़ी है, लाइट है, रस्सी है, चुटपुट है, बच्चे लोगों के लिए फैंसी दो चार आइटम है, बड़ों के लिए फैंसी पाइप वगैरह है, और शादी वादी में चलने वाले भी आइटम हैं जो शादियों में चलते हैं। इस बार के खास आइटम है मिट्टी के अनार जो क्रेकलिंग करते हुए निकलेंगे। इस बार के बिक्री के मुताबिक बात की जाए तो आपको किस तरीके से उम्मीद लगता है कि पिछले बार 2 साल कोरोना बीतने के बाद क्या स्थिति रही और इस बार किस तरीके से रौनक रहेगी, क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद तो सबको रहती है, व्यापारी आदमी उम्मीद पर रहता है। और इस बार हमें तो बहुत उम्मीद है कि कोरोना काल में जो 2 साल व्यवसाय नहीं हुआ, इस साल व्यवसाय अच्छा हो करके। देखिए दिवाली का तो ऐसा है कि मेन दिवाली का मतलब ही खर्चा करना, तो खर्चे स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कपड़े, खुद के लिए तो नहीं, बच्चों के लिए स्पेशली और औरतों के लिए। और पटाखों में जैसे कि उतना हम इसलिए नहीं फोड़ रहे कि पोल्यूशन के नाम से अब एज अ जागरूक नागरिक जितना कम हो उतना फोड़ना चाहते हैं, तो बस बच्चों के पर्पज़ से फैंसी आइटम जो हैं चक्री हो गया ये सब भी खरीद रहे हैं मैक्सिमम अभी। और बाकी मार्केट तो अभी ठीक लग रहा है देखने में। उम्मीद तो सबको रहती है, व्यापारी आदमी उम्मीद पे रहता है। और इस बार हमें तो बहुत उम्मीद है कि कोरोना काल में जो 2 साल व्यवसाय नहीं हुआ, इस साल व्यवसाय अच्छा हो करके। ये थे हमारे साथ संचालक अग्रवाल फटाका भंडार के, जिन्होंने बताया कि पिछले दौरान तो थोड़ा बहुत कम जरूर था लेकिन इस बार उम्मीद है कि इस बार अच्छी बिजनेस होने की। कैमरामैन नवेश के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।